अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो बहुत से बच्चे मेरे कॉलेज की कट ऑफ के बारे में पूछे थे, मेरा कॉलेज मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बारे में। सो इस वीडियो में मैं वही कवर करूँगी और ऑल इंडिया की जो कट ऑफ हुई थी वो भी बता दूँगी मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैम सी कट ऑफ मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। सो ये एक दिल्ली का कॉलेज है और इसमें टोटल 6250 सीट्स हैं। और दिल्ली का कॉलेज है तो मतलब कि दिल्ली का कोटा भी मिलता होगा। तो दिल्ली का कोटा क्या होता है, पहली बात तो दिल्ली का कोटा मतलब आपने 11th 12th अगर दिल्ली से करी है तो आपको दिल्ली कोटा मिलेगा। आप चाहे दिल्ली में रहते हो चाहे ना रहते हो, बस मैटर ये करता है कि आपने 11th 12th दिल्ली से करी है या नहीं करी। चाहे आप यूपी के हो चाहे बिहार के हो चाहे कहीं के भी हो, पर अगर आपने 11th 12th दिल्ली से करी तो आपको कोटा मिल जाएगा। और उसके बाद ये भी था कि जो दिल्ली के कॉलेज होते हैं उसकी काउंसलिंग कोई अलग से नहीं होती। जैसे स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है, हर स्टेट की अलग अलग, पर जो दिल्ली के कॉलेज है ना इनकी जो काउंसलिंग होती है ये ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है ना उसी के साथ हो जाती है। सो इसकी कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती। सो उसके बाद जो टोटल सीट्स हैं इसमें मैमसी में 250 सीट्स हैं टोटल। और इसमें डीयू कोटा और ऑल इंडिया कोटा, जो डीयू कोटा की जो सीट रिजर्व है 85% सीट्स डीयू वालों की होती है और ऑल इंडिया कोटा की 15% होती है। मतलब 85% का 250 निकालेंगे वो आप निकाल लेना, उतनी सीट्स हमारी दिल्ली वालों के लिए होगी और ऑल इंडिया कोटा की 15% होगी इसका वो होगा। और उसके बाद भी इस 85% पे और इस 15% पे अपना अलग अलग कैटेगरी का भी रिजर्व होती है, कैटेगरी कोटा का भी कोई परसेंटेज रिजर्व होता है। जैसे कि जनरल के लिए 85% 40% लगाएंगे, जनरल की सीट्स होंगी वो, और ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 7%। ये 85% पे लगेगा और ऐसे यही सेम 15% पे भी लगेगा। मतलब इतनी इतनी सीट्स इनके लिए रिजर्व है। बाकी पीडब्ल्यू का स्पेशल कोटा भी होता है, उसके बारे में मतलब इतना मुझे नहीं पता, बाकी आप देख लेना जो भी उसको भी जरूरत हो। और उसके बाद ये जो थी क्या क्लोजिंग रैंक और क्या स्टार्टिंग रैंक थी उसके बारे में, ऑल इंडिया कोटा वाला 15% पे जो रैंक थी जनरल के लिए स्टार्टिंग, मतलब कि ये रैंक है मार्क्स मत समझ लेना, 58 रैंक पे स्टार्ट हुआ था मैमसी का और 85 पे ही क्लोज हो गया। तो समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा। और ईडब्ल्यूएस का 258 पे स्टार्ट हुआ, 321 पे क्लोज हो गया। एससी ओबीसी का इतने पे स्टार्ट हुआ, एससी एसटी का, और फिर 85% दिल्ली कोटा का जो रैंक स्टार्टिंग रैंक जनरल के 90, क्लोजिंग रैंक 94, और ईडब्ल्यूएस का भी 716 एंड क्लोजिंग रैंक 821। आई होप सो ये सही हो, वैसे तो मतलब सही होगी, वैसे तो बाकी आप चेक भी कर लेना। और ओबीसी का जो था 399 पे स्टार्ट हुआ था और 4481 पे क्लोज हुआ था। तो ओबीसी वालों को काफ़ी मतलब कि फिर भी राहत है। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब मुझे कैसे मिल गया मैमसी का कॉलेज 671 मार्क्स पे, क्योंकि मेरे पास दिल्ली कोटा भी है और मैं ओबीसी भी लगाया था मैंने, उस वजह से मुझे मिल गया। मेरे पास ये दोनों था और मैं ओबीसी में थी तो यहाँ पे मेरे को मिल गया। और मेरी जो रैंक थी 2605, तो 4481 पे क्लोज हुआ था और 2605 मुझे मिल गया था फर्स्ट राउंड पे। और ये सब पूरा फर्स्ट राउंड का ही है, ठीक है, फर्स्ट राउंड का ही है। मतलब सेकंड राउंड का मतलब मैंने लिखा ही नहीं वैसे तो, क्योंकि ऐसा है ना मैम जी कॉलेज है, फर्स्ट राउंड पे जिसको मिल जाता है फिर वो मतलब बहुत रेयरली है जो छोड़ता है कॉलेज, अदरवाइज तो सेकंड राउंड बहुत रेयरली सीट खाली होती है। सीट खाली होती है तो फिर इसी के अराउंड ही मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस जाता है, तो आप आइडिया लगा लेना फर्स्ट राउंड से। और उसके बाद एससी की तो ये है और एससी की ये है, ये तो वही कट ऑफ स्टार्टिंग और क्लोजिंग रैंक की। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब कि देख लो आप 58 और 85 रैंक पे ख़त्म। पर ये मैमसी कट ऑफ है, ये टॉपर कॉलेज माना जाता है। बाकी ऑल इंडिया कोटा की भी मैं बता देती हूँ, मतलब ऑल इंडिया की जो कट ऑफ गई थी। बट वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो गया है, और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस और अच्छे से रिविज़न करें। क्योंकि आप अगर सब कुछ पढ़ भी लें पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो सब कुछ पढ़ा हुआ आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट दें, और टेस्ट भी क्या, जैसे कि आपको पता है कि नीट का जो टेस्ट यानी पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। और आजकल बहुत से बच्चे मतलब कि ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मोस्टली जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो ऑफलाइन के टेस्ट वगैरह तो हो जाते हैं सेंटर पे,
बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रही हैं उन्हीं के जो सब्सक्रिप्शन जो भी लिया होता है तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वही कर लेते हैं। बट इससे यह है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो आखिरकार पेपर होना कैसा है, ऑफलाइन ही होना है, तो आपको प्रैक्टिस भी कैसी करनी चाहिए, ऑफलाइन ही करनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑफलाइन करें। बाकी इसलिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन है तो मतलब वो भी दे लो, बट ये नहीं कि आप बस उसी को करें, ऑफलाइन भी करें। और इसके लिए संकल्प भारत तो आपको पता ही है, जिसमें तरुण सर, एमडी सर, सर्वेश सर, वीटी सर टॉप फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, इन सब ने मिलकर एक टेस्ट सीरीज मतलब की लॉन्च की है, जिसमें कि 25 टेस्ट हैं, 22 जो है ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन है। जो 22 ऑफलाइन है मतलब क्या है, उसमें क्या है कि आपको मतलब बुकलेट और टेस्ट जो पेपर जो होंगे आपको मतलब डिलीवर जो होंगे आपके घर पे, तो उसमें मतलब कि पूरा सॉल्यूशन भी बुकलेट के फॉर्म में होगा, इवन ओआरआर भी होगा और टेस्ट होगा, तो आप पर्टिकुलर टाइम सेट करके टेस्ट करें, ओआरआर फिल करें और फिर सॉल्यूशन भी होगा, आप फिर चेक भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जो नीट का एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। पर्सनली मतलब मैं भी ऑनलाइन इतना प्रेफर नहीं करती थी, मेरे को वैसे भी ऑनलाइन देने में काफ़ी दिक्कत होती थी, मेरा कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं पता था ऑनलाइन, तो मैं तो ऑफलाइन ही देती थी। आपको सब कुछ प्रिंट करा हुआ सब मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है 1332 है, बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। अब मैं आपको ऑल इंडिया की जो कट ऑफ गई थी वो बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ऑल इंडिया की क्या कट ऑफ गई थी, तो मैंने तो वैसे राउंड वन और राउंड टू को ही कवर करा है, क्योंकि इसके बाद मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड भी होता है, उसमें मतलब ज़्यादा चांस फैक्टर होता है, तो उसका इतना नहीं देखते, मेनली यही दो राउंड का होता है, वो लक फैक्टर ये सब मैटर करता बहुत ज़्यादा उसमें, तो आप इसी से आइडिया लगाया करो। सो जो जनरल का था ये थी क्लोजिंग रैंक, तो ये क्लोजिंग रैंक लिखी मैंने, अब स्टार्टिंग रैंक क्या लिखूंगा, और जो भी रैंक वन होगी वहीं से स्टार्ट हो गया कॉलेज लेना, तो ताकि ये क्लोजिंग रैंक है जो कि 19396 है, और इसके मार्क्स भी मैंने लिख दिए हैं 618 मार्क्स। वैसे मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो अलॉट हुआ था लास्ट कॉलेज जनरल को वो 17,000 के अराउंड हुआ था, इसका मतलब फिर भी 2000 का डिफरेंस आया, इस बार तो 19,000 के अराउंड मिला है, बट ये है कि मार्क्स चेंज हुए, इस बार थोड़ा कम मार्क्स भी मिल गया था, इस बार हाई थोड़ा ज़्यादा मार्क्स भी गया, तो वैसे तो मैटर मेन रैंक करती, मार्क्स मैटर नहीं करता, तभी मेन रैंक स्टार्ट लगाना चाहिए मार्क्स, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मतलब 600 वालों को भी नहीं मिला कॉलेज। तो वैसे ये EWS का ये है, बाकी आप खुद देख लो ये मार्क्स है और ये लास्ट इतने पे मिला है कॉलेज, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट ये है कि इसी के अराउंड ही है जो भी है, ये नहीं बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। और ये राउंड टू की है, ये मतलब जनरल का है, तो ये जनरल का, फिर ये EWS का, तो वैसे ये इतने इतने पे अलाउट हुआ है और ये मार्क्स इतने पे, और जनरल EWS पे इतना मतलब कि डिफरेंस नहीं आता। ये थी कट ऑफ की वीडियो, जितना मुझे पता था, जितना मुझे आइडिया था, मैंने उस हिसाब से बना दी। बाकी अगर आपको किसी और कॉलेज कट ऑफ के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर आपको और कुछ जानना है MMC कॉलेज के बारे में, जो कि मेरा कॉलेज है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर मुझे होगा कि मैं उसे बता सकती हूँ या मैं कोई वीडियो बना सकती हूँ उस पर, तो मैं बना दूंगी। ताकि अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम, आई थिंक 7 मंथ से भी कम बचा है, अच्छे से तैयारी करें, और एग्ज़ाम्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं, इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।